हमारे चैनल VH नॉलेज यानी वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसे पर्वत की जिसकी चोटी पर पहुंचना बहुत लोगों का सपना है, जहां लाशों के ढेर लगे हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़, जहां हर कदम पर मिलते हैं मौत के निशान। दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ यानी एवरेस्ट, जहां आज भी लाशें भटके हुए इंसानों को रास्ता बताती है। ये दुनिया की इकलौती जगह है जहाँ लाशों के माइलस्टोन बनते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो उस पर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 16 से 20,000 फीट की ऊंचाई, तापमान जमा देने वाला, ऐसे में कहीं बर्फीला तूफान आ गया तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। ऐसे ही तूफानों ने कई बार सियाचिन में तैनात हमारे जवानों की जान ली है। मगर आज हम जो सच आपको बताने जा रहे हैं वो सियाचिन का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे ठंडे और सबसे खतरनाक पहाड़ का यानी एवरेस्ट का है। उस एवरेस्ट का जहां आज भी लाशें भटकते हुए इंसानों को रास्ता बताती हैं। ये दुनिया की एकलौती जगह है जहां लाशों से माइलस्टोन बनते हैं। आखिर ये जगह कौन सी है जहां लाशों को मील का पत्थर बना दिया जाता है और उन्हें 2 गज ज़मीन भी नहीं मिलती? क्यों ये लाशें इंसानों के लिए माइलस्टोन बना दी जाती हैं? क्यों ये सैकड़ों सालों बाद भी ख़राब नहीं होती? इन तमाम सवालों के जवाब दुनिया की इस सबसे ऊँची बर्फीली चोटी पर है। एक ऐसा बर्फीला पहाड़ जहाँ इंसान मरते तो हैं मगर उनकी लाशें वहाँ से वापस नहीं आती, क्योंकि ये पहाड़ उन लाशों को वहाँ से वापस आने ही नहीं देता। ज़मीन ऐसी बंजर और दर्रे इतने ऊंचे कि यहाँ पहुँचना ज़िंदगी का मकसद बन जाता है, मगर मजबूरी नहीं है क्योंकि यहाँ मौत ज़िंदगी पर भारी पड़ जाती है। ये एवरेस्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ठंडा और सबसे खतरनाक पहाड़। हर साल इसे फतेह करने का मिशन बनाकर यहाँ करीब 350 लोग आते हैं। कुछ कामयाब होते हैं और कुछ नाकामयाब, यहीं इसी बर्फ़ में समा जाते हैं। मगर ये मरकर भी मरते नहीं, ये अपनी गलतियों से दूसरों को सबक देते हैं। जिस रास्ते पर उन्हें मौत मिली उस पर जाना मना है, और कभी कभी उनकी लाशें यहाँ आने वाले पर्वतारोहियों के लिए गूगल मैप का काम करती हैं। एवरेस्ट के पर्वत पर इस वक्त 308 से ज़्यादा माइलस्टोन यानी लाशें खड़ी हुई हैं, जिन्हें देखकर यहाँ आने वाले पर्वतारोही अपने मंजिल तय करते हैं। ये लोग कौन हैं इसका खुलासा करेंगे, मगर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एवरेस्ट पर इंसान से मील का पत्थर बन चुके ये लोग आखिर मरे कैसे। एक आंकड़े के मुताबिक सबसे ज़्यादा मौत यहाँ पैर फिसलने से होती है, और उसके बाद ठंड की वजह से दिमाग सुन्न हो जाते हैं और लोगों की सांसें थम जाती हैं। सरकारों ने अब तक इन लाशों को उनके अपनों तक पहुँचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ इस बर्फीली चोटी से लाशों को नीचे ले जाना नामुमकिन सा है, बल्कि अंदाजे से ज़्यादा खर्चीला भी है। लिहाजा एवरेस्ट की जो कमेटी एवरेस्ट पर आने जाने वालों के लिए काम करती है वो इन लाशों को वहीं छोड़ देती है। एक अनुमान के मुताबिक अगर एवरेस्ट पर पड़ी 308 लाशों में से किसी एक लाश को भी उतारा जाए, ना सिर्फ 30 लाख रुपए का खर्चा आएगा बल्कि जो लोग इन लाशों को उतारने के लिए उन बर्फीली चोटियों पर चढ़ेंगे उनकी जान का भी खतरा होगा। -16 से -40 डिग्री का ये तापमान है, यहाँ हम और आप जाने का सोच भी नहीं सकते। वहाँ ये पर्वतारोही इन खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने की जिद करते हैं, जो तकरीबन खुदकुशी करने के बराबर है। कुछ एक हद तक जाकर लौट आते हैं तो कुछ आगे आने की जिद में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। और ये 308 लाशें उन्हीं लोगों की हैं जिन्होंने कुदरत के कहर से लड़ने की जिद की। मरने वालों में कई तो ऐसे हैं जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी को फतेह तो कर लिया मगर उनकी मौत इस बर्फीली पहाड़ी से उतरते वक्त हुई। जानते हैं एवरेस्ट पर पड़ी ये लाशें किस नाम से जानी जाती हैं? एवरेस्ट की इस पहाड़ी पर दो तरफ से चढ़ाई की जाती है, और इन दोनों तरफ अलग अलग दूरी पर पर्वतारोहियों की लाशें सालों से पड़ी हैं। इन लाशों के कोई नाम नहीं है, बस इनके कपड़ों और जूते रास्ता बताने वाले पहचान चिन्ह बन गए हैं। ये लाश ग्रीन बूट के नाम से जानी जाती हैं, जो एवरेस्ट के उत्तर पूर्वी रास्ते पर है, जो भारतीय पर्वतारोही शेवांग पलजोर की है, जो साल 1996 में एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हुए बर्फीले तूफान में फंसकर मर गए थे। आज तक शेवांग की लाश वहीं पड़ी है और ग्रीन बूट के नाम से जानी जाती है। शेवांग की तरह कई और लाशें भी इन्हीं रास्तों पर है, जिन्हें नाम से नहीं बल्कि उनके कपड़ों या जूतों से पहचाना जाता है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।